सो आई होप आपने अभी तक विटामिन ए और डी पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कितनी आसानी से हम सारे विटामिन को खत्म करेंगे। इस वीडियो में काफी फन वे में हम विटामिन ई को पूरा याद करेंगे, जो कि ऑल्दो काफी छोटा विटामिन है पर देखना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन ई से। तो विटामिन ई का मतलब क्या है हमें उसकी सबसे पहले, जैसे हर बार हम देखते हैं केमिस्ट्री देखना है, ओके। तो मैं केमिस्ट्री आपको बता दूं, जनरल केमिस्ट्री है, ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस एक टर्म याद रखना है, टोकोफेरॉल, ओके। जैसे हम अभी तक रेटिनॉल और सारा हम पढ़ते आए हैं, विटामिन डी के भी हमने देखे सारे, जो कोलेस्ट्रॉल और वो सारे टाइप्स थे, तो इसमें जो है दिस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ टोकोफेरॉल्स एंड ट्रोकोट्राइएनॉल, ओके। आप टोकोफेरॉल्स याद रखिए, 8 टोकोफेरॉल्स कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से जो मोस्ट एक्टिव है दैट इज योर अल्फा टोकोफेरॉल, ओके। ज्यादा कुछ नहीं है इसके ना मेटाबॉलिज्म में ना इसके अब्सॉर्प्शन में, वही सिंपल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होगा, फैट सॉल्यूबल है तो बाइल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फिर लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट होगा, सो दिस इज नथिंग यू नीड टू नो। जस्ट स्टोरेज कहाँ होगा, एडिपोज टिश्यू, लिवर और मसल में। सो विटामिन ई में मेन आपको बस फंक्शंस याद रखना है, अदरवाइज विटामिन ई इज नथिंग बट वेरी इजी पार्ट। सो अब हम फंक्शंस जानने के लिए एक छोटा सा फन निमोनिक टाइप का बनाया है। बेसिकली देयर इज अ सुपरमैन जिसका नाम अब क्या है, ई मैन, ओके। सो ई मैन का मतलब क्या है कि विटामिन ई है और अब ये क्रिश बन के सबको बचाएगा, ओके। तो हम देखते हैं कि ई मैन या ई बचाएगा हमें के क्या मतलब है। सो बेसिकली ई बचाएगा मतलब ई के पास प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपने थोड़ा आपको पता हो परऑक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स के बारे में, तो बेसिकली आपका सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें आपके फैटी एसिड्स हैं, तो वो प्रोन होते हैं फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल वहां आके उनको डैमेज कर सकता है और सेल को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सो आप क्या चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपके सेल्स हैं वो लाइसिस ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए, तो उसके लिए जो आपका परऑक्साइड के कारण जो डैमेज होता है वो ना हो पाए, ओके। सो व्हाट यू डू इज यू प्रिवेंट दैट नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल फैटी एसिड्स, बाय ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स सच एज सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। सो लिपिड परऑक्सीडेशन एक अगेन डिटेल टॉपिक है, अभी आपको इतना पता होना चाहिए, ओके। अब विटामिन ई जो है वो लाइपोफिलिक होता है, ठीक है। लाइपोफिलिक का मतलब क्या है, ये जो आपका फैटी एसिड जो आपके लिपिड है जो प्रोन है डैमेज के, उनसे विटामिन ई प्यार करता है, ओके। जैसे सुपरमैन है या आपका क्रिश ले लीजिए आप इंडियन मूवी का, तो ही लव्स द कॉमन मैन, ओके। तो लाइपोफिलिक है तो उनके एसोसिएशन में रहेगा, तो लाइपोप्रोटीन के एसोसिएशन में आ गया, फैट डिपोजिशन के एसोसिएशन में आ गया, सेलुलर मेम्ब्रेन के एसोसिएशन में आ गया, तो प्रोटेक्ट करेगा उसको परऑक्सीडेशन रिएक्शन से, और पूफा काफी प्रोन होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली वो एक्ट करेगा एज अ स्कैवेंजर, ओके। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना, सारी चीजें ध्यान रखना, ओके। सो वो एक्ट करेगा एज अ स्कैवेंजर और फिर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्विनिन फॉर्म में, क्विनॉन फॉर्म में, और फ्री रेडिकल से जो है पूफा को स्पेयर कर देगा, ठीक है। तो वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू नीड टू ऑल नो इज इट एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर एंड प्रोटेक्ट्स योर सेल फ्रॉम डैमेज, ठीक है। और इसकी मदद कौन करेगा, क्रिश में कौन थी, प्रियंका चोपड़ा, यहाँ पे कौन है, सेलेनियम, ओके। तो सेलेनियम हेल्प्स इन विटामिन ई के फंक्शंस, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं साथ में काम करते हैं। तो अब आपको फंक्शंस कैसे याद रखना है, फंक्शंस आपको याद रखना है बेसिकली सिंपल तरीके से, कि अब आपको आपके पास क्या हो गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो अब आपके पास सेल जो है आपका डैमेज से बचा सकते हैं आप, तो अब क्या करेंगे आप, बेसिकली उसका सेल का मेम्ब्रेन बचाएंगे, तो स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, इसको आप कहेंगे मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। फिर एक मेम्ब्रेन आप याद रखिए, रिप्रोडक्टिव मेम्ब्रेन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो स्टेरिलिटी नहीं होने देगा, तो विटामिन ई प्रिजर्व करेगा जर्माइनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन गोनेट्स का, ओके। फिर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सेल, तो सेल का क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, तो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए कोएंजाइम क्यू जो है उसको स्टेबलाइज करेगा, तो आपकी सेल की रेस्पिरेशन बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि सेल का काम ही क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन सही है, सेल सही है, तो रेस्पायर करेगा। अब रेस्पायर मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब हीमोग्लोबिन मतलब हीम, तो उससे आप याद रखिए हीम का सिंथेसिस बढ़ा देगा, कैसे, वो एंजाइम जो आपकी ALA सिंथेज और ALA डिहाइड्रेटेज है उसकी एक्टिविटी बढ़ा के। तो ये आपको एक लिंक बना दिया, आपने मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट करा, फिर आपने स्टेबलाइज करा कोएंजाइम क्यू को, और आपने हीम का सिंथेसिस बढ़ा दिया, ठीक है। अब और क्या करेगा, साथ ही साथ सेल से सी से याद रखिए कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट का ऑनसेट डिले करेगा दूसरे विटामिंस के साथ, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन पे ही जाता है अगेन, ठीक है। अब सेल से थोड़ा बड़ा उठ के आइए मसल,
तो मसल में क्या होगा, प्रॉपर स्टोरेज अगेन किसका, सी वाले कंपाउंड, सी इज क्रिएटिन, तो सेल मसल क्रिएटिन, ये भी हो गया। ठीक है, अब सेल है तो सेल को थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, है ना, तो अमीनो एसिड्स हो गए, और फिर आगे चल के उसको डीएनए रेप्लिकेट करना रहेगा, तो अमीनो एसिड्स के ऑप्टिमल अब्सॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन से, और प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो सारे फंक्शन एक लिंक बना के याद हो गए हैं, बजाय एक एक रटने के कि ये कैसे होता है ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे अच्छा एक लिंक बना के याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। ओके, तो अब ई मैन का इनिशिएटिव काम आया हो तो अभी के अभी वीडियो जैसे ही खत्म हो उसके बाद कम से कम अपने बैचमेट्स या 10 फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि बाद में उन्हें ये चीज पता पड़ी तो उन्हें बहुत दुख होगा कि हमने तब आसानी से क्यों नहीं याद करा। तो ज्यादा जल्दी खत्म करते हैं, फिर आप जाके शेयर कर सकते हैं और अच्छे से इस चीजों को सम अप करके याद कर सकते हैं। सो डेफिशिएंसी में क्या होगा, अब अगेन ई में मैंने आपसे कहा था सिर्फ फंक्शंस डिटेल्ड है, ओके, तो डेफिशिएंसी में फंक्शन कोई बिगाड़ दो, रिप्रोडक्टिव वाला फंक्शन बिगाड़ो, स्टेरिलिटी, ठीक है, मसल स्केलेटल मसल बिगाड़ दो तो डीजनरेटिव चेंजेस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें देखने को मिलता है, और सीएनएस चेंजेस, वो बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों देखने को मिलता है, ये चीज न्यूक्लिक एसिड, मैं आपको एक बार पहले ही बताया था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आपका सेल और डीएनए रेप्लिकेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो जो सेल का साइज है वो बढ़ जाता है, तो दैट इज यू कैन लिंक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और सीएनएस चेंजेस। ठीक है, टॉक्सिसिटी में अब ई तो बचा रहा है ना, तो ई तो सुपर हीरो है, टॉक्सिक हो गया तो सुपर हीरो थोड़ी कहलाएगा, सो बेसिकली विटामिन ई इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड नो टॉक्सिक इफेक्ट हैज बीन रिपोर्टेड, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अब ई मैन का जरूर कहना मान लेना और इसे जरूर शेयर करना, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, पढ़ते रहिए, और अगेन वेरी इजी असेसमेंट क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट इन द कॉमेंट्स, ओके, लीस्ट टॉक्सिक फैट सॉल्युबल विटामिन, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड keep sharing and support the initiative.